हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जिस स्टूडेंट ने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, अभी फ़िलहाल 2019 में जिसने एडमिशन लिया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी दोस्त हैं उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको, तो उनको शेयर कर दें और अवेयर भी कर दें उनको, ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में, नए अपडेट्स के बारे में जान सके। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि मेरिट लिस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट आज रिलीज़ होने वाला है, आज मेरिट लिस्ट। तो कौन सा केसरी देख सकते हैं हम मेरिट लिस्ट को, उसके बारे में आज का इस वीडियो है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है gujaratuniversity.ac.in, वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद ऊपर ही आपको मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर जाना है और नीचे जाना है। यहाँ पर एडमिशन लिखा होगा, नीचे जाएंगे आपको तो आपको एक स्टूडेंट में ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट के अंदर ये एडमिशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब डिटेल आ जाएगी। आप बीकॉम से हो, एलएलबी से हो, बीए से हो, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल अभी बीकॉम के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं बीकॉम का बता देता हूँ। ये देखिए, एडमिशन बीकॉम बीबीए बीसीए ये आ गया। तो मैं सिंपल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे को सिंपल से ये ऊपर मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर पिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन नंबर, सीरियल नंबर, एंटर नंबर, एंटर इमेज, ये वाला इमेज नंबर रखेंगे और हम सिंपल से यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा, आपने जो कॉलेज सिलेक्ट की होगी और गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कहा है, मेरिट कौन से कॉलेज में गया है आपका, वो आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट पेज पर ही आपको मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो में मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट। चलिए मैं लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो कॉलेज सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर इसके अलावा भी आप अगर कॉलेज व्यू कॉलेज करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी करना चाहते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन निकालवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो, छोटे से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट अगर जाहिर होता है तो आपको कैसे देखना है, उसको कैसे देख सकते हैं आप गुजरात यूनिवर्सिटी में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और इम्पोर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, तो आपके दोस्त भी जान सके इस वीडियो के बारे में, इस मेरिट लिस्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हाँ, और दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एडमिशन के लिए, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मैं दे दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।